कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। ये शंखनाद जबलपुर से गूंजा है। दरअसल जबलपुर में मां नर्मदा का पूजा कर रही प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए शिवराज सरकार को घोटाले की सरकार बताया। प्रियंका गांधी के इस हमले के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रभारी एम मुरलीधर राव ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश में चुनाव के दिन गिनती के ही बचे हैं, ऐसे में वार पलटवार तो होने हैं। पहले प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार को घोटालों की सरकार कहा तो बीजेपी की ओर से जवाब आना तो लाजमी था। बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रभारी एम मुरलीधर राव ने पलटवार कर दिया और कहा कांग्रेस पार्टी घोटालों की पर्यायवाची है। वे इतने पर नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि पहले चुनावी हिंदू बनना छोड़े, फिर आरती करना सीखें, फिर हमें बताएं कि हम क्या करें। एमपी प्रभारी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर व्यापारी वर्ग को संबोधित करने आए थे, जहां उन्होंने ये सारी बातें कही। सुनिए क्या कहा बीजेपी मध्य प्रदेश के प्रभारी एम मुरलीधर राव ने। कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, 2G 3G घोटाला और कांग्रेस और घोटाला यह पर्यायवाची है। और कमलनाथ 1984 के दंगों के अंदर भी कैसे उसकी भूमिका है ये भी सब जानते हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि नौटंकी करने के लिए भी पूजा कैसा करना है, आरती कैसा करना है, पहले सीख जावे और प्रशिक्षित हो जावे और बाद में कैसी काम करना है वो हमें प्रशिक्षित करने के लिए बता दें। पहले आरती करना सीखने के लिए मेरा कहना है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके